जिल्ह्यातील घडामोडींच्या प्रत्येक क्षणांची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी पहा फक्त एनसीएन न्यूज। आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। देवाली कॅम्प शहरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या 152व्या जयंती निमित्त शहरात स्वच्छता अभियान राबवण्यात आले। शनिवारी दिनांक 2 ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी यांच्या जयंती निमित्त प्रथम कॅन्टोनमेंट कार्यालयात महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमेचं पूजन करण्यात आले। यावेळी शहरातील मेन रोड, मिठाई स्ट्रीट, हबसन रोड, झेंडा चौक, वडनेर रोड, कॅनॉट रोड व हडोळा परिसरात स्वच्छता अभियान मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ राहुल गजबिये, उपमुख्य कार्यकारी संजय सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य अधीक्षक अमन गुप्ता यांनी स्वच्छता अभियान राबवले। कॅन्टोनमेंट बोर्डाचे आरोग्य अधीक्षक अमन गुप्ता यांनी एनसीएन न्यूजशी बोलताना आपले मनोगत व्यक्त केले। जे मार्गदर्शन में मैंने यह संकल्प लिया है कि मैं देवलाली को बहुत ही क्लीन और नीट एकदम बनाना चाहता हूं, और जैसा कि आप मेरे पीछे फाउंटेन देख रहे हैं, ये कल ही हमारा मिशन जो था, प्रोजेक्ट था, ये हमने कम्प्लीट किया है और आगे भी इस तरह का देवलाली को अच्छा अच्छा जो है फाउंटेन कैस्केड जो हमारे पास पुराना था मिलता रहेगा। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, तो मेरा यह प्रण मैं लेता हूँ गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे कि देवलाली से मैं जो भी प्लास्टिक जो है उसको चुन करके जिस तरह से वो प्रोसेस करना है उसको हटाना है, मुझे देवलाली को प्लास्टिक मुक्त करना है, जिस उनके नेतृत्व में भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाना है, तो उसमें देवलाली की सहभागी ओर से मैं देवलाली को प्लास्टिक मुक्त बनाने का यह प्रण लेता हूँ। अभियान यशस्वीतेसाठी आरोग्य निरीक्षक शिवराज चव्हाण, अतुल मुंडे, सुपरवाइजर विनोद खरालिया, ओमप्रकाश जेधे, धीरज डुलगज, सोमनाथ निसा, रोहिदास शेंडगे यांच्या सह आरोग्य कर्मचारी प्रयत्नशील होते। देवळाली कॅन्टोनमेंट एम्प्लॉई युनियनच्या वतीने महात्मा गांधींच्या जयंतीनिमित्त प्रतिमा पूजन करून अभिवादन करण्यात आले। यावेळी युनियन अध्यक्ष एम आय खान, सुरेंद्र मेहरोलिया, चित्रा सोनवणे, संजीव राजोरा, राजवीर बहोत, जगपाल चंडालिया, घनश्याम गिल, रामचंद्र थामेत, गणेश थामेत, चंदू उकरडे, रामचंद्र सारस आदित होते। एनसीएन न्यूज साठी प्रतिनिधी भारत चव्हाण, देवळाली कॅम्प।